Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exam Papri. Hopefully आप लोग बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, अपनों और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं इस कोविड में. तो गाइज, कल से अपनी सारी जो प्रोसेस है वो कल लास्ट डेट है. कल है मंडे और कल लास्ट डेट है जो आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग की या फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जो फर्स्ट राउंड के लिए मणिपाल का होना है. इसी के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो पूरा देखना. कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो ये सारी चीज़ें लगभग वीडियो पूरा देखना. एक वीडियो से मेरा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वॉच टाइम नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है? आप पूरा वीडियो देखोगे, आपके हित में होगा. तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो. थोड़ा सा भला मेरा भी हो जाएगा और थोड़े बहुत पैसे मैं भी बना लूँगा. साथ ही साथ जो इंडिविजुअली अगर चाह रहे हैं, पर्सनली काउंसलिंग चाह रहे हैं मणिपाल के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का. आप वहाँ पे देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे पिंग कर सकते हैं. जो भी नॉमिनल से चार्जेस हैं वो वहाँ पे रखे हुए हैं और वो पे कर हम लोग बहुत टाइम लेकर आसानी से चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं. आज संडे है, आज ऑफ है, तो जितने बच्चे चाहें रजिस्टर कर सकते हैं. आज पहले हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन किया हुआ था कि मतलब 5 से 7 बच्चे हम लोग कर रहे थे. अभी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आज के लिए. आप जितने चाहें लोग रजिस्टर कर सकते हैं. तो आज पूरा दिन मैं फ्री हूँ और मैं और मेरे जो दोस्त हैं, मेरी जो टीम है, तो हम लोग फ्री हैं. तो हम लोग कर सकते हैं इसको प्लान, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रजिस्टर कीजिए, इंस्टा पे मुझसे जुड़ सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके जो मित्रगण हैं उनका भी कुछ भला हो. तो देखो, अब मणिपाल का फर्स्ट राउंड का ऑनलाइन का जो रजिस्ट्रेशन है और चॉइस फिलिंग है, ये 13 से 19 तक चलने वाला है. तो कल लास्ट डेट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो. उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट राउंड से ही हम लोग किसी भी चीज़ के लिए अगर प्रिपेयर हम लोग कर रहे हैं, ऑब्वियसली फॉर्म भरा है, तो सेकंड राउंड का वेट करने की ज़रूरत नहीं है. देखो, आगे पीछे पैसे आपको देने ही हैं, तो फर्स्ट राउंड से आप प्लान करो तो ज़्यादा बेहतर होगा. अब देखो, इसमें एक चीज़ और है कि जो फर्स्ट राउंड से बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्या उनको लॉस होगा? मुझे कहीं ना कहीं लगता है उनको डेफिनेटली लॉस होगा. तो इसलिए आपको फर्स्ट राउंड से प्रिपेयर करना है, पहली चीज़. अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि पेमेंट ऑफ द कोर्स फी इंस्टॉ फर्स्ट. तो देखो, इसमें कुछ बच्चों का ये है कि 21 से जो 27 तारीख तक है उसमें क्या है कि जेई मेन्स का एग्ज़ाम होना है. उसमें जेई मेन्स का एग्ज़ाम होगा, बच्चों के रिजल्ट आ जाएंगे और बच्चों को एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, उसके बाद वो सोच रहे हैं कि मणिपाल में जाएं या वहाँ जाएं. देखो, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, देखो आप लोगों का रिज़ल्ट जो भी हो, अगर जेई मेन का रिज़ल्ट इतना सुपर अगर आपका आ रहा है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा शानदार रिज़ल्ट अपना हो रहा होता, मतलब अबव 95 या 97 तक अपन पहुँच रहे होते, तो हम लोग मणिपाल के लिए तो एटलीस्ट नहीं सोच रहे होते अभी. हो सकता है कुछ एक बच्चे सोच रहे हों जिनकी बहुत अच्छी परसेंटाइल है, इवन आफ्टर दैट दे आर विलिंग टू गो फॉर द मणिपाल, है ना? तो मणिपाल के लिए हम लोग नहीं सोच रहे थे. अपना कहीं ना कहीं जेई मेंस में अपनी परसेंटाइल और अपनी परफॉर्मेंस या किसी भी कारण से हो, ऑनलाइन कोचिंग हो या ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स हो या ऑनलाइन के कारण पढ़ना या कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनना पा रहा हो रहा हो, तो हम लोग अब मणिपाल के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? तो जब फॉर्म भर ही दिया है तो 10,000 रुपये भी भर दो, अनलेस यू आर हैविंग गुड ऑप्शंस इन एनी अदर कॉलेज, ठीक है? तो ये हो गई बात. कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि भैया अभी भी चॉइस फिलिंग नहीं आ रही है, क्या करें? सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसको मणिपाल को भेज देना, उसका एक वीडियो और स्क्रीनशॉट लेके उसको मणिपाल को भेज दो. साथ ही साथ उनको, आज तो संडे है, आज कॉल नहीं लगेगा, तो लेकिन आज शाम तक आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का निवारण हो जाएगा, ठीक है? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आप लोगों की उसमें हेल्प करूँगा. आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, जो भी नॉमिनल से चार्जेस हैं आपकी हेल्प के वो मैं लूँगा. उसके बाद हम लोग आराम से डिस्कशन कॉल पे कर सकते हैं. बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि स्पॉट राउंड का क्या सिनेरियो है भैया. देखो, स्पॉट राउंड का मतलब समझो. स्पॉट राउंड का मतलब क्या है? स्पॉट राउंड का मतलब है कि
आपने एप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट टेकन एडमिशन इन एनी ऑफ द कैंपस, कहीं पे भी एडमिशन नहीं लिया है, उनको कोई सीट नहीं मिली है मतलब, तो वो बच्चे स्पॉट राउंड में आ जाते हैं। स्पॉट राउंड का मतलब है कि जिनको अभी तक कहीं सीट नहीं मिली और कुछ सीट्स बची हुई हैं, तो अब उन बच्चों को सीट मिल सकती है स्पॉट राउंड में, अगर वहाँ पे सीट वेकेंट है तो। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा हो गया। कुछ बच्चों के हॉस्टल्स को भी लेके मणिपाल के क्वेश्चंस हैं कि भैया मणिपाल का इतना जो महंगा हॉस्टल है, क्या वो लेना ठीक है क्या? इसमें मेरा ये है कि देखो, अगर आप हॉस्टल के लिए प्लान कर रहे हो तो उनके तीन चार कुछ वो प्लानिंग है कि मतलब इस हॉस्टल का इतना है, इस हॉस्टल का इतना है, इस हॉस्टल का इतना है। तो देखो, इसमें इस तरीके से कर सकते हो आप, कुछ एक महीने शुरुआत, अगर जयपुर में आपका कोई फ्रेंड रहता है या कोई रिलेटिव रहता है तो रिलेटिव क्या तो मत जाना, हॉस्टल प्रेफर करना जो आसपास आपके कैंपस के हों। ठीक है, और अगर जयपुर जा रहे हो, जयपुर का मुझे आइडिया है, जयपुर हालांकि बहुत बड़ा शहर है लेकिन वहाँ पे बहुत रीज़नेबल रेट्स में आपको रूम्स मिल जाएंगे। तो क्या करना, फर्स्ट ईयर के, देखो फर्स्ट ईयर में अगर चाहो तो फर्स्ट ईयर में कॉलेज में रह सकते हो, ठीक है, अदरवाइज़ फर्स्ट ईयर से ही आप चार लोगों का ग्रुप बना लो, जो भी चार जने जा रहे हो, ठीक है, और चार जने जा रहे हो तो साथ में वहाँ पे जाके प्लान कर लो, वहाँ पे पीजी देख लो 3 BHK का, आराम से उसमें रहो मस्त, क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हैं। तो गाइज ये था सारा ज्ञान, कुछ और क्वेरीज हैं इंस्टा पे आ जाइए, वहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन ज़रूर कीजिए। कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो काउंसलिंग में मेरी हेल्प चाहिए तो वो ज़रूर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे लीजिए।